पीयूष गोयल को गुस्सा बहुत आता है। सत्य है। आपने एक वो हिंदी पिक्चर का गाना जरूर सुना होगा। जी, समझने वाले समझ गए, बाकी तो आप और आपके श्रोता सब जानते ही। हमारे सामने आंकड़े हैं रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के, लेकिन रसोई गैस के सिलेंडर के दाम आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तब रेट घटाए जाने के बाद भी 803 रुपए हैं, यानी 10 साल में दोगुने दाम बढ़ गए। उस समय के सब्सिडाइज 400 के सामने आज के दिन 500 है, 10 वर्ष के बाद। क्या हम अमेरिका से आगे आने वाले दिनों में जो व्यापार करने वाले हैं या जो कर रहे हैं वो बगैर FTA के होगा? The US-India partnership is the most important partnership. आपके हम पोर्टफोलियो देखते हैं, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, कोयला, फिर रेल, फिर कुछ समय के लिए वित्त कॉरपोरेट, उसके बाद फिर खाद्य सार्वजनिक वितरण भी आ गया, फिर कपड़ा मंत्री का भी आ गया। एक ख्वाहिश तो अभी भी बची है कि पीयूष गोयल जी को फुल फ्लेजेड वित्त मंत्री बनना है। नहीं, एकदम बेबुनियाद है। एक हम प्रसंग देख रहे थे कि आपने अपने पापा से पैरवी करवाई राज्यसभा के लिए पहली बार के लिए, और उन्होंने आपको एक बड़ी जरूरी सीख दी। कुछ ज्यादा ही आप रिसर्च करके आए हैं। इट्स अवर जॉब सर। सच्चाई है आपकी कि एक बार थोड़ा लालच आया। हम चीन को जितना सामान भेज रहे हैं उसका लगभग 4 गुना अभी भी चीन से आ रहा है। इस चैलेंज को हमारा देश कैसे पार पाएगा? कुछ देशों से हमारा बड़ा सरप्लस है, कुछ देशों से घाटा है, तो ये तो एक सिलसिला चलता रहता है। आपके दो बड़े अच्छे दोस्त हैं जो आपके दावों से राजी नहीं होते हैं। एक का नाम है रघुराम राजन, दूसरे का नाम है अभिजीत बनर्जी। ये PLI को लेकर रघुराम राजन को सरकार का तर्क समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वो इसकी आलोचना कर रहे हैं अपने रिसर्च नोट में? वो इसको प्रोडक्शन से नहीं, वो इसको कहते हैं असेंबली यूनिट्स लगाई जा रही हैं देश में, बाहर से सामान इंपोर्ट किया जा रहा है। सच्चाई ये कि कुछ लोग शायद देश के हित में जो काम किए गए उसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हैं। आप रघुराम राजन की बात कर रहे हैं? तो रघुराम राजन जी और अभिजीत जी का राजनीतिक झुकाव पूरे देश और दुनिया को पता है। मिस्टर रघुराम राजन एंड अभिजीत बनर्जी, यू मस्ट सीक एन अपॉइंटमेंट विद कंट्रीज करंट कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, एंड आई विल वेलकम देम फॉर डिनर, फॉर लंच एट देयर कन्वीनियंस। आर यू वांट टू से ड्रिंक्स एज वेल? आई डोंट। किसानों और मंत्रियों के समूह के बीच क्या हुआ? क्या अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और सबसे वरिष्ठ पीयूष गोयल मुस्कुराते हुए निकलेंगे और समझौते का ऐलान करेंगे या स्टेलमेट रहेगा? आ जाएंगी समझ में आस्ते आस्ते, और जब तक नहीं आएंगी तब तक शंभू बॉर्डर पे उनको रोक ही दिया गया है। आप भाजपा या संघ के जिन बड़े नेताओं के नाम देखते, सुनते या सोचते हैं, वो सब पीयूष गोयल को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, पीयूष गोयल को नहीं हैप्पी को जानते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे तो याद है कि अटल जी आ रहे हैं तो बस एक हमारे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ ओ, मेरे हाथ से कंचे लिए। और वो इससे मुझे लगता है थोड़ा याद है, क्योंकि मुझे अभी तक याद है वो इस उंगली से उन्होंने मारा था और ऐसे अपने नी पे रखी और पहली उंगली से उन्होंने 8 फुट दूर कंचे को थट करके मारा। कौन से बड़े नेता आते जाते थे? दीनदयाल उपाध्याय जी वहां ठहरते थे। आप मिले उनसे? मैं बहुत छोटा था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और उनको असैसिनेट किया गया, उस दिन नाना जी देशमुख हमारे घर पे रुके हुए थे और मैं बार बार नाना जी को पूछ रहा था क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ है चाचा जी। फिर नाना जी ने जब बताया तो माई मदर सेज के आई रियली बस्ट आउट इन टीयर्स। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली।